न्यूरोथेरेपी को समझने के लिए न्यूरोथेरेपी की तीन डेफिनेशंस है जिनके आधार पर हम न्यूरोथेरेपी को आसानी से समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी के तीन प्रकार की डेफिनेशन है, समय समय के हिसाब से उस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहली है फंक्शनल डेफिनेशन, यानी क्रियात्मक डेफिनेशन, क्रियात्मक परिभाषा, यानी कि हम न्यूरोथेरेपी में करते क्या हैं, कैसे बीमारी का उपचार करते हैं, कैसे बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। तो ये क्रियात्मक डेफिनेशन है जिसको हम फंक्शनल डेफिनेशन कह सकते हैं, जो कि न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर किन्हीं खास ऑर्गन्स को, अंगों को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि उसके कार्य की क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और उसकी वजह से आई हुई बीमारी का उपचार किया जाता है। यानी कि किसी भी ऑर्गन के कार्य करने की क्षमता या तो ज्यादा हो गई है तो बीमारी आएगी, जैसे अगर थायराइड जरूरत से ज्यादा काम करे तो हाइपर थायराइड की बीमारी आती है। अगर थायराइड का फंक्शन ज्यादा काम हो जाए उसका, तो ये मेटाबॉलिक हाइपर हो जाएगी और आदमी का वजन लगातार कम होता चला जाएगा, जो भी खाना खाएगा वो शरीर को नहीं लगेगा और वजन कम होता चला जाएगा, जिसे हम हाइपर मेटाबॉलिक बोलेंगे, यानी कि हाइपर थायराइड की बीमारी कहते हैं। दूसरी तरफ से अगर थायराइड जरूरत से कम काम करे, यानी कि वो जितना करना चाहिए उससे भी कम काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इसे हाइपोथायराइड हो गया है, यानी कि थायराइड कम काम कर रहा है। तो उस समय भी हम थायराइड को स्टिमुलेट करेंगे और स्टिमुलेट करकर उसके फंक्शन को नॉर्मल लाएंगे, यानी कि हम दोनों ही कंडीशन में ऑर्गन को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होगा, जिसमें हम थायराइड को, अगर थायराइड ज्यादा काम कर रहे हैं उसे सप्रेस करने के लिए उसे स्टिमुलेट करेंगे और जो कम काम कर रहा है उसे टोन अप करने के लिए काम करेंगे, यानी कि उसे स्टिमुलेट करने के लिए काम करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न भागों को एक निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर किन्हीं खास ऑर्गन की कार्य की क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और जिसकी वजह से बीमारी आती है और हम उस बीमारी का उपचार इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये इसकी क्रियात्मक डेफिनेशन है, यानी कि हमने कुछ करके दिखाया कि करेंगे तो होगा, यानी करेंगे तो बीमारी ठीक होगी, और क्या करेंगे तो इस डेफिनेशन के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को, यानी कि हम हाथों को, पैरों को, इनको एक कोण पर रखते हैं। अब हम लीवर देना चाहते हैं तो लीवर के लिए ऐसे हाथ को रखते हैं, अगर हमें लीवर जीरो देना है तो ऐसे रखते हैं, हमें अगर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी देनी है तो हम ऐसे रखते हैं, WD देना है तो ऐसे रखते हैं। तो ये अलग 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 कोण है, अलग अलग एंगल है हाथ के, केवल हाथ ही अपना अलग अलग हो रहा है, हाथ ही तो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इसके एंगल चेंज होते चले जा रहे हैं। ये करेंगे तो हमारा अलग पॉइंट बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो अलग पॉइंट बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो अलग पॉइंट बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो अलग पॉइंट बन जाएगा। तो केवल हाथ के एंगल को चेंज कर हम उसके ऊपर प्रेशर देकर, दबाव देकर किन्हीं खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। हर इस पर एक अलग ऑर्गन है, इस एंगल पे एक अलग ऑर्गन है, इस एंगल पे एक अलग ऑर्गन है, इस एंगल पे एक अलग ऑर्गन है। तो ये अलग अलग एंगल से हम अलग अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गन की कार्य की क्षमता को हम कम भी कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल ला सकते हैं, और किसी को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, अगर वो जरूरत से कम काम कर रहा है तो भी नॉर्मल लेके आ सकते हैं। तो ये हमारी क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल डेफिनेशन कहलाती है। इसी प्रकार न्यूरोथेरेपी की जो शुरुआत हुई थी उसको हम बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन। न्यूरोथेरेपी की जो शुरुआत हुई थी, न्यूरोथेरेपी का जो आधार है, जो डॉक्टर लाजपत राय महाराज ने जहां से न्यूरोथेरेपी को पढ़ना शुरू करा, समझना शुरू करा, उसके आधार को समझना शुरू करा, तो न्यूरोथेरेपी में
नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। यानी कि नाभि जब अपनी जगह से खिसकेगी, नाभि जब अपनी जगह से हटेगी तो आपको बीमारियां आएंगी, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो फिर मानसिक रूप में हो। मानसिक बीमारियों का कारण भी नाभि हो सकता है, क्योंकि जब आपको गैस नाभि ऊपर की तरफ जाएगी तो गैस बार बार तंग करेगी, बार बार गैस तंग करेगी, आपको सिर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये आपके डिप्रेशन का कारण बनेगा। यानी कि आपकी मानसिक बीमारियों का कारण आपकी नाभि हो सकती है। नाभि नीचे की तरफ खिसक जाती है तो आईबीएस जैसी समस्याएं हो जाती है, कोलाइटिस जैसी समस्याएं होती हैं, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, नाभि के नीचे के एरिया में दर्द बना रह सकता है, और इवन लंबे समय तक नाभि नीचे की तरफ खिसक जाए तो आपको नले भी हो सकते हैं। और जिनको नले लंबे समय तक रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यानी कि आपके नाभि के लगातार लंबे समय तक खिसकने से आपको मानसिक रोग आ सकते हैं। तो इसलिए नाभि शरीर का आधार है। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उसकी नाभि ठीक करते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि जब ठीक होगी तो बीमारी ठीक होगी, सिम्टम्स ठीक होना शुरू होंगे और बीमारी का समाधान मिलेगा। तो न्यूरोथेरेपी की आधारभूत, जिस पर न्यूरोथेरेपी टिकी हुई है, जिस पर न्यूरोथेरेपी काम करती है, जब सबसे पहले बीमारी का उपचार यहाँ से निकलता है कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का उपचार करते हैं, यानी कि पेशेंट की नाभि को सबसे पहले ठीक करते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट का क्या है, कि हम नाभि के चारों तरफ पेन पॉइंट्स चेक करते हैं, यानी कि पेन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। पेन पॉइंट्स पर काम करना यानी कि नाभि को ठीक करना है, नाभि के ऊपर काम करना है। तो इसीलिए न्यूरोथेरेपी का आधार नाभि है। नाभि को केंद्र मानकर हम सभी छोटी बड़ी सभी बीमारी का उपचार करते हैं। तो ये हमारी आधारभूत यानी कि बेसिक डेफिनेशन है। इसमें अब जब समय के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करा और एक नई डेफिनेशन आई। मॉडर्न साइंस ये कहती है, यानी कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि शरीर में दो वजहों से बीमारी आती है। पहली वजह कि बॉडी के अंदर जब एसिड और अल्कलाइन इंबैलेंस होता है तो बीमारी आती है। दूसरा, कहीं भी सर्कुलेशन की कमी होगी तो वहां पर बीमारी आ जाएगी। दोनों चीजों को समझना। और इसी में न्यूरोथेरेपी भी यही करती है कि न्यूरोथेरेपी मॉडर्न साइंस के हिसाब से शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। यानी कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस डेफिनेशन है, कि न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर शरीर में खून के दौरे को ठीक करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं और आई हुई बीमारी का उपचार करते हैं। जब आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोसिस की बीमारियां आ जाएंगी, है ना, जिसमें आपको बीपी लो हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये सब एसिडोसिस की बीमारियां हैं। और जब बॉडी के अंदर अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है तो उस समय पर आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपका थायराइड हाइपर हो सकता है, आपको नींद की समस्या हो सकती है, या आपको घबराहट हो सकती है, या आपको पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पैंक्रियास की डिजीज हो सकती है। तो ये सब अल्कलोसिस की बीमारियां हैं। तो जब बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा तो एसिड की बीमारियां आती हैं, जब बॉडी के अंदर अल्कलाइन बढ़ती है तो अल्कलाइन की बीमारियां आती हैं। तो न्यूरोथेरेपी इन दोनों पर ही काम कर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकती है, क्योंकि तो हम जानते हैं कि बॉडी के एसिड और अल्कलाइन को लंग्स, स्टमक और किडनी के द्वारा बैलेंस किया जा सकता है। दूसरा,
हम बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तो जहाँ सर्कुलेशन की कमी होगी बीमारी की शुरुआत वहीं से होगी, जहाँ सर्कुलेशन की कमी होगी बीमारी की शुरुआत भी वहीं से होगी। तो हम अपने प्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से शरीर के हर हिस्से में सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो जीरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को क्रिएट कर बीमारी का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी की अलग अलग तीन प्रकार की डेफिनेशंस है, फंक्शनल डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन, यानी कि क्रियात्मक डेफिनेशन, आधुनिक डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और आधारभूत परिभाषा। इस तरीके से हमारी तीन परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से हम न्यूरोथेरेपी को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। धन्यवाद।